हमने आपको अभी काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, अब हम आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर टू को और डिटेल में पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी वी हैव फिनिश्ड, डी करा दिया, ई बहुत ईजी था, मैंने ई को छोड़ दिया। अब हम आपको 2F और 2G पढ़ाएंगे, 2F और 2G पढ़ाएंगे, 2F एंड 2G पढ़ाएंगे। दो मिनट कैमरा है हमारा, 2F एंड 2G हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 2G देखिए, जी के ये क्वेश्चन हैं, दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आप लोगों को करना है, 2F और 2G। ये बढ़िया बढ़िया वाली बुक है, आर एस अग्रवाल की बुक है। इसके आंसर भी चेक कर लीजिए अगर आपको मैच करने के लिए जरूरत पड़े ये दो आंसर। बाकी आंसर को ही मैं इसको स्क्रीन में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना ईजी रहे, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाना एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, अब हम इस चैप्टर को आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सो 2F से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2F और 2G करेंगे हम लोग, ठीक है, दो करेंगे तो 2F से स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर वन है 25x² - 64y² 25x² - 64 किसका स्क्वायर है, 5x का, 64 किसका है, 8y का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा वाला हो गया, a² - b² जो किसके बराबर होता है, a - b और a+b, जो किसके बराबर होता है, a - b और a+b के बराबर। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 5x² - 7y² देखो क्योंकि नंबर 5 है, ये 25 नहीं है, 25 नहीं है, 5 है, ये 49 नहीं है, 7 है, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम उसको लिखेंगे √5x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे √7y का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 × √5 करेंगे तो √25 आएगा, √25 की वैल्यू 5। फार्मूला सेम जो ऊपर बताया, फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला रहेगा √5x - √7y, √5x + √7y, तो x² - y² = x - y, x + y, सेम फार्मूला यही वाला इसमें चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम इसका देख रहे हैं आपका 12th, सेम ऐसे ही है, प्रैक्टिस आप लोगों ने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में इसका है 3a³b -243ab³। दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, देखो 3 दोनों में कॉमन है, a का 3 है, a का 1 है, a का 1 कॉमन, b का 1 है, b का 3, b का 1 कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, समझ आ रहा है स्क्वायर क्यों आया, ए के 3 है, एक ए दोनों में कॉमन है, एक का 2 बच गया, बी यहाँ पर एक है, यहाँ 3 है, एक भी कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर 381 जा, 3 को 81 से 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या कहें 3 कॉमन है। अब यहाँ आ गया 81b², अब ये 3b ऐसे का ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर 81b² को लिख सकते हैं हम लोग 9b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम लोग 9b का होल स्क्वायर। दोबारा वही फार्मूला x² - y² = x - y, x + y, तो a - 9b और a+9b, हमारा आंसर क्या आ गया, a - 9b और a+9b। यहाँ तक के क्वेश्चन तो हैं ईजी 1 से लेकर के 12। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन मुश्किल है, मैं इनको लगभग क्वेश्चन सारे करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है a+b² - a - b, क्या देखेंगे बेटा इसमें, a+b का होल स्क्वायर माइनस कॉमन हो गया और ये हो गया a+b, देखो माइनस दोनों में कॉमन, माइनस बाहर a+b, तो यहाँ भी a+b और यहाँ भी a+b, तो a+b बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्या रह जाएगा हमारा a+b - 1, ये हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो गया 14th वाले में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन 14 में चल रहा है हमारा 108a² - 3b - c² 108 और 3 दोनों में कॉमन है, ये 103 से डिवाइड होते तो 3 कॉमन आ गया, तो कितना आ गया 36a² 3 बाहर कॉमन आ गया, तो ये आ गया b - c² ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 36a² को लिख सकते हैं 36a² ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब फार्मूला क्या हो गया, देखो लेट
सिक्स ए का नाम एक्स और बी माइनस सी का नाम वाई, तो क्या हो जाएगा, थ्री सिक्स ए का नाम एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह लगाएंगे हम लोग सिक्स ए माइनस वाई की जगह लगाएंगे, ब्रैकेट बंद ना, ब्रैकेट खुला करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सिक्स ए फिर प्लस बी माइनस सी, तो आंसर आ गया थ्री सिक्स ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, सिक्स ए प्लस बी माइनस, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 15 लगा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, 15 लगा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव, दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है एक्स माइनस फाइव, इन दोनों में क्या कॉमन है, वन कॉमन है एक्स माइनस फाइव, सो एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो वन को हम लोग वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया हमारा ये एक्स माइनस फाइव, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, क्या हो गया ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा ये फॉर्मूला हो गया। 16 वाला इसके सारे पार्ट करेंगे, सोचिए हम ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस नाइन सी स्क्वायर। देखो बेटा ये मैंने आपको चैप्टर टू जब मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया सीधा सीधा बता दिया क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नाइन सी स्क्वायर का मतलब थ्री सी का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह हो गया, लेट ए प्लस बी का नाम क्या रख लेते हैं, एक्स, ए प्लस बी का नाम एक्स हो गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री सी और एक्स प्लस थ्री सी, एक्स की जगह क्या बोला मैंने, एक्स की जगह क्या लगाएंगे, ए प्लस बी माइनस थ्री सी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी, ये आपका आंसर निकल गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 16। नाउ अगेन 17, सारे अच्छे वाले क्वेश्चन हैं इसलिए मैं सबको लाइन से कर रहा हूँ। 17 वाला क्वेश्चन, 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, 9 बाहर ले लिया, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, दिमाग का भी खेल है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया ए स्क्वायर, या माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस आएगा, अब क्या हो गया 9 को लिख सकते हम लोग 3 का स्क्वायर, और ये ध्यान से देखोगे तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोबारा वही फार्मूला जो ऊपर लिखाया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया थ्री माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, थ्री प्लस ए माइनस बी, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इसका क्या है, 18 में बोल रहा हूँ मैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस फोर सी स्क्वायर, अरेंज करने का भी खेल है, हाँ अरेंज करने का भी खेल है, देखो क्या क्या नज़र आ रहा है, फोर ए सी नज़र आ रहा है तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ आ जाएगा, प्लस फोर सी स्क्वायर यहाँ आएगा और माइनस बी स्क्वायर यहाँ आएगा, दिमाग लगाना है, ये सब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ए स्क्वायर यहाँ लिखा मैंने माइनस फोर ए सी, इससे क्या बन गया एक फार्मूला, ध्यान से देखो क्या बन गया, ये ए का स्क्वायर बन गया, फोर सी टू सी का स्क्वायर बन गया, जो फोर ए सी का हो गया टू मल्टीप्लाई बाई ए ए, और देखो टू टू जो फोर फोर ए सी आ गया माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए माइनस टू सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए माइनस टू सी, एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को बार 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 देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। 18 हो गया, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूँ मैं, 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका इसमें 9 स्क्वायर
प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64 बी स्क्वायर। टीम बनाना है, टीम किसकी बनेगी, मस्त टीम किसकी बनेगी, 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64 बी स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से टीम बढ़िया बन रहा है 9a स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर का, इसकी और इसकी टीम बन ली और कौन बच गया 3a माइनस 8b। अब इसको ध्यान से देखोगे तो 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, 64b स्क्वायर को 8b का स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या लिख रखा 3a माइनस 8b, तो 3a माइनस 8b यहाँ पर भी, 3a माइनस 8b यहाँ पर ही, तो इन दोनों में क्या हो गया ये कॉमन, कॉमन को बाहर, अब क्या बच गया 3a प्लस 8b प्लस 1, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा जाता है। ऐसे करके हमने 19 क्वेश्चन भी आपका कर दिया। अब 20 वाला मैं इसके सारे पार्ट करने का चक्कर में हूँ, सभी करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्रैक्टिस आपको करना है, पढ़ोगे तो अच्छी बात, नहीं तो और अच्छी बात। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 9 कैसे बनेगा, जादू क्या चलेगा, देखो जादू इसका ये एक्स स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 9, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, बीच में क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी आ गया 6y, तो क्या बन गया फॉर्मूला वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई माइनस 3 ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस वाई माइनस 3 ब्रैकेट बंद। तो हमारा 20 वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप 19 कर दिया, मैंने 20 कर दिया, ठीक है। इसके चार पार्ट और रह रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 22 कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कर रहे हैं 22 कर रहे हैं, एक्स फोर माइनस 1, एक्स फोर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर क्या हो गया, इसका नाम ए रख लो इसका नाम बी रख लो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि बीच में प्लस आ गया, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये हमारा खेल क्या हो गया समाप्त हो गया। तो हमारा एक्सरसाइज 2F खत्म होता है। अब हम लोग 2G पढ़ा रहे हैं आपको, 2G ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कह रखा था एक्सरसाइज 2G बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या बोला मैंने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वेश्चन नंबर 9, जिनको ये नहीं आता है बस उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वो मैथ्स के कमज़ोर खिलाड़ी हैं, उनका ज़्यादा उनका भला होना बहुत मुश्किल है, उनको ये सीखना जरूरी है, रोज़ सीखे हमसे, रोज़ दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे। इसमें जादू ये सीखना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करो तो 105 माइनस का 105 और जोड़ो तो माइनस का 32, तो 105 का क्या बनाएंगे फैक्टर, देखो 5 × 2 = 10 = 21, 3 × 7 = 21, यहाँ हर समय प्राइम नंबर ही आने चाहिए, देखो 32 लाना है, 32 कैसे आएगा, 7 × 5 = 35, 35z में से −35z और 3z को जोड़ोगे तो −32z आ जाएगा, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 105, दोनों में क्या कॉमन है z −35, दोनों में क्या कॉमन है z −35, और z प्लस 3 और z −35 क्या आ गया कॉमन। ये 9th वाला क्वेश्चन मैंने आपका करा, इसके सारे पार्ट लगभग ऐसे चल रहे हैं। अब 18 वाला मैंने पहले भी पढ़ा रखा एक्सरसाइज, ये NCERT में पढ़ाया था, उस दिन मैंने पूरी एक्सरसाइज कराई थी, फिर दोबारा करा रहा हूँ, 2x² प्लस 3x माइनस 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 मल्टीप्लाई करो तो 180 और ऐड करो तो 3 प्लस 15x माइनस 12x, 15 में से 12 गया, 3 आएगा 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो 180 आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, x कॉमन है केवल, तो 2x प्लस 15 यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है, ठीक है 6 × 2 = 12, ठीक है 6 से काम चलेगा, हाँ 6 × 15 जा, ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, तो 2x प्लस 15 एक्स माइनस 6, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये 18 तक बताया मैंने आपको, इसके बाद
इन क्वेश्चंस में कुछ बच्चे हमें कह रहे हैं सर ये रूट वाले क्वेश्चन समझाओ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 वाला क्वेश्चन देखो, 1/3 x² - 2x - 9। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 x² * 3 कर दो, इसे भी इंटू 3 कर दो, इसे भी इंटू 3 कर दो, 3 गेट का आंसर x² - 6x - 20। मल्टीप्लाई करो 27 और ऐड करो तो 6 - 9x, देखो +3x, 9x में से 3x गया 6x, 9 × 3 = 27। दोनों में x कॉमन, x माइनस 9, 3 कॉमन x माइनस 9, ये दोनों सेम आने चाहिए, तो आंसर आ गया x - 9 x + 3, क्योंकि हमारा 33rd वाला। अब हमारा इसका क्वेश्चन आ गया 41 में 5√5 x² + 20x + 3√5। देखो 5√5 को 3√5 से मल्टीप्लाई करो, 5√5 को 3√5 से मल्टीप्लाई करो, √5 × √5 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75। देखो मल्टीप्लाई करो तो 75 और ऐड करो तो 20, 25 में से देखो 5 × 25 √5 × 15 = 75। अब लाना है आपने 20, क्या बनेगा 75 लाना है मल्टीप्लाई करके और जोड़ के आना चाहिए 20, 75 का फैक्टर 15x + 5x जोड़ा तो 20, 15 × 5 = 75 भी हो गया। अब ध्यान क्या देना है इसमें, इन दोनों में ध्यान क्या देना है, देखो 5√5x² और ये 15 है तो 5x कॉमन हो गया, √5x, 5 × 3 = 15। इन दोनों में 5 को √25 लिखा जा सकता है, 5 को √25 लिखा जा सकता है, ये 5x, √5x + 3, दोनों में √5 कॉमन, √5x + 3, ये दोनों क्या हो गए सेम, होने सेम चाहिए, सेम नहीं है तो गड़बड़ है, दोनों में सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो क्या है गड़बड़ है। 5x + √5, फिर समझाता हूँ, 5√5 को 3√5 से मल्टीप्लाई करो तो 75, 75 का फैक्टर निकालना इस तरीके से निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 और जोड़ने पर 20 बने, 15 × 75 = 75। अब यहाँ देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 आ गया बाहर, x बाहर आ गया, √3 5x + 3। इन दोनों 5 को √25 लिख सकते हैं, 3√5 ऐसे, 25 और √5 में √5 कॉमन, दोनों के आ गया सेम, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 33rd वाला हो गया। ठीक है 33rd के बाद आपका क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 47, 7x - 2y² x - 2y² लेट x - 2y का नाम क्या रख लेते हैं z, 7 ये z² - 25z + 12, मल्टीप्लाई करो 12 × 7 = 84, मल्टीप्लाई करो 84 और ऐड करो तो 25, देखो आंसर आ गया 21z - 4z, ऐड करोगे तो 25, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84, दोनों में 7z कॉमन, z - 3, 4 कॉमन, z - 3। ठीक है अब z - 3 और 7z - 4, और z हमने किसको मान रखा है x - y को, आंसर आएगा x - y - 3, 7x - y - 4, ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं 47 के बाद, 4x² + 7x² - 2, मल्टीप्लाई करो तो 8 और ऐड करो तो 7, देखो 8x² - 8 = 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है और जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर माइनस का, दोनों में क्या कॉमन है 4x² कॉमन, माइनस बाहर कॉमन x² + 2, x² + 2 और 4x² - 1। ध्यान से सुनो, प्लस वाला ऐसे का ऐसे ही रहता है, माइनस वाले में उसको लिख सकते हैं 2x² - 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि x² + 2 जो कि 2x - 1 2x + 1,
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप 8899151013 में व्हाट्सअप करिए, अपने जो भी प्रॉब्लम पूछना है इस नंबर पर अपने पूछ के अपना प्रॉब्लम क्लियर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।